कोई टिप्पणी नहीं किया। ये आजकल के अंगूठा छाप गंवा रहा के अपना रोटी सेकने के लिए सब ऐसा बात कर रहे हैं। उनको ताड़ना का अर्थ पूछिए, ताड़ना का अर्थ क्या होता, कैसे पाखंडी है। नहीं, आप भी चमत्कार करके दिखाओ, उनके जैसा दिखाओ। ठीक है, मान लिया पाखंडी है, कराओ, आप भी करो, कर सकते हो, दम है नहीं। बटर मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश का। नहीं नहीं, योगी आदित्यनाथ सीएम बने, पीएम बनेंगे ना। विश्व गुरु वही बढ़ाएंगे, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, त्रिवेंद्र शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए उत्तर प्रदेश का। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम राजनीति से दूर। जो शुद्ध हिंदी ही नहीं जानता, जिसको साहित्यिक हिंदी का नहीं पता है, तो उसको अर्थ अनर्थ क्या समझ में आएगा। ये सब अपना पॉलिटिक्स में रोटी सेकने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। इतने दिन से इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, हाँ, अकबर के टाइम से ये रामचरितमानस का वो हुआ है, हाँ, कोई टिप्पणी नहीं किया। ये आजकल के अंगूठा छाप गंवा रहा के अपना रोटी सेकने के लिए सब ऐसा बात कर रहे हैं। उनको ताड़ना का अर्थ पूछिए, ताड़ना का अर्थ क्या होता है। ताड़ना का अर्थ होता है कि सही राह, सही राह दिखाने के लिए तुलसीदास जी बोले हैं। ये लोग तो उसका वो उल्टा बोल दे रहे हैं, सिर्फ ये अपना कि बीजेपी। अब इनको दुख क्या है कि सारा जाति समीकरण बीजेपी तोड़ दिया, ठीक। अब कैसे बांट के अपना रोटी सेके, अब ये सब बात बोलेंगे तो पब्लिक अलग अलग होगा भाई। पब्लिक अलग होगा तो अपना रोटी सेकेगा, और कोई बात नहीं है। कि बाबा भी तो एक पार्टी की कैंपेनिंग कर रहे हैं। किस पार्टी का कैंपेनिंग? वो सनातन का कर रहे हैं। नहीं, बाबा कोई पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं क्या? वीडियो में नहीं, आप नहीं घूम रहे हैं ना, फिर कैसे कैंपेनिंग कर रहे हैं? वही लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, वो लोग तो क्या से क्या कहेंगे, लेकिन वो पब्लिक को समझना चाहिए, अपना दिमाग लगाओ। रामचरितमानस है, उसको बैन करने की भी बातें करें, अखिलेश के जो साथ रहते हैं, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद सनातन ही बैन कर देंगे, समझ गए। कुछ नहीं है उनको, बस गद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए, ऐसो आराम चाहिए। तो नहीं मिली, हार गई तो फिर अभी आने वाला भविष्य देख रहे हैं ना, हाँ, वो चीज है। हारे हैं तभी तो बैन कर रहे हैं, तभी फड़वा रहे हैं, अगर जीत जाते तो कोई मुद्दा ही नहीं उठता। तो आप मतलब जो ये लोग कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पाखंडी, कैसे पाखंडी है। नहीं, आप भी चमत्कार करके दिखाओ, उनके जैसा दिखाओ। ठीक है, मान लिया पाखंडी है, कराओ, आप भी करो, कर सकते हो, दम है नहीं। हम नहीं दे रहे हैं, सारी पब्लिक दे रही है, हमारे अकेले से कुछ नहीं होगा। कौन? वो रायपुर आने के लिए, रायपुर आने के लिए गुरुजी ने उनको आमंत्रण दिया था, पर वो आए नहीं। रायपुर में आए, अंग्रेजी में बोला, आपके लोग क्या, मीडिया के लोग के सामने भी उन्होंने गुरुजी ने प्रमाणित कर दिया, क्या गुरुजी के लोग हो सकते हैं? रामायण में ही एक चौपाई है, अवसर पाए निश्चर संचरही। अब इसके आगे आप समझा दीजिएगा, अब पूरी आप समझ रहे हैं। ये जब निश्चरों को अवसर मिलता है ना, तभी वो एकदम प्रभु ज्ञान प्रकाश। इतना ही बहुत है। अच्छा, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वो ये लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है मिश्रा जी, हाँ, पंडित जी, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें पंडित जी कौन है मालूम है आपको? जिसके पास बुद्धि है, सामाजिक आर्थिक पूरा मतलब विश्व का समझदार व्यक्ति, वो पंडित है। आप ही लोगों ने तो राज किया, वही कह रहे हैं इसीलिए। आप ही लोग कौन राज किया? आप ही लोगों ने लिखा। निषाद राज कौन था? पंडित ही था। अरे यार, आप लोग बैठिए, दो घंटे बैठिए। निषाद राज कौन था? और वो भी कलयुग में नहीं, त्रेता युग में था। निषाद राज था कि नहीं, यही बगल में? फिर कैसे बात कर दिए? लगातार पंडितों को क्रिटिसाइज करते हैं लोग। वो बस एक मुद्दा टारगेट है और कुछ नहीं है। पंडित लोग जो बाहर में कमा रहे हैं, क्या किसी से पूछते हैं क्या, भैया कौन बिरादर हो, आपके यहाँ खाएं कि ना खाएं होटल में, आपके यहाँ पान खाएं कि ना खाएं, आपके यहाँ चाय पिए, किसी से पूछ के पीते हैं क्या कि आप कौन बिरादर हो, आपके यहाँ चाय पिए कि ना पिए? ये सिर्फ एक मुद्दा बन गया है, कुछ नहीं है। अच्छा, इतनी भीड़ देखी आपने कभी? बहुत देखी है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल में जो भाई, यहाँ पे पहली बार और तो कहीं नहीं। जो बाबा हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं, उसपे क्या? वकालत नहीं, वो हकीकत है। कैसे भाई, आपके घर में और दूसरा कोई घुस आए और उसकी वकालत किया जाएगा कि आपकी? आप बताइए, जितने लोग हैं सब घुसपैठी हैं? नहीं, घुसपैठी तो मैं बोला नहीं, लेकिन जो भी हो अपने अपने में रहो,
अब किसी के में उंगली करोगे तो भाई वो होगा ही नहीं, तो हिंदू राष्ट्र सरकार क्यों नहीं करेंगे? ये पुराना हिंदू और हिंदू राष्ट्र और है कहाँ? है कहाँ? नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना, इन्हीं लोग तो हिंदू धर्म है, लेकिन ये तो हमारा भारत वर्ष है, सनातन है। हिंदू रखा किसने? यही तुर्की मुगली यही सब आके रखे हैं हिंदुस्तान, नहीं तो हमारा ये भारत वर्ष था। आप उठा के पढ़िए प्राचीन इतिहास। जो लगातार गुरुजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे कि थोड़ा आप पढ़ाई कीजिए, और जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से शुरू कीजिए, जब बुद्धि खुलेगी तो अपने आप समझ में आएगा। वो पढ़े, वो लोग कह रहे हैं आप पढ़े, वही आपको एक चौपाई और सुनाया था ना, बस वही वाली बात है। जो उन भट्टर मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश का, नहीं नहीं योगी आदित्यनाथ सीएम बने, पीएम बनेंगे ना। अच्छा, जब ये विश्व गुरु वही बनाएंगे, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने और योगी जी जो है पीएम बने देश के, मोदी जी के बाद मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए उत्तर प्रदेश का। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम राजनीति से दूर रहते हैं। नहीं, वो तो सब पहले शुरू में यही सब कहता है कि हम राजनीति से दूर रहेंगे, उसके बाद तो राजनीति में आना है। राजनीति में तो आएंगे नहीं, आ जाते हैं तो उनको जनता का ये मत है कि उनको हम